शांति। 8 जुलाई के ईश्वरीय महावाक्य सार। मीठे बच्चे, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। तुम हो राज ऋषि, तुम राजाई के लिए राजयोग सीख रहे हो। प्रश्न है, निराकार बाप में कौन से संस्कार हैं जो संगम पर तुम बच्चे भी धारण करते हो? जवाब है, निराकार बाप में ज्ञान के संस्कार हैं। वह तुम्हें ज्ञान सुनाकर पतित से पावन बना देते हैं, इसलिए उन्हें ज्ञान का सागर पतित पावन कहा जाता है। तुम बच्चे भी अभी वो संस्कार धारण करते हो। तुम नशे से कहते हो, हमें भगवान पढ़ाते हैं, हम उनसे सुनकर सुनाते हैं। आज का गीत, आखिर वह दिन आया आज, ओम शांति। आज की धारणा की कुछ एक बातें हैं, श्रीमत पर पूज्य बनना है। आत्मा में जो भी बुरे संस्कार आ गए हैं, उसे ज्ञान योग से समाप्त कर देना है। संपूर्ण निर्विकारी बनना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। योग बल से पावन बन राजाई पद लेना है। आज का वरदान, गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप भव। गम और बेगम की अभी ही नॉलेज है। गम की दुनिया सामने होते हुए भी सदा बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करना, यही अष्ट शक्ति स्वरूप कर्मेंद्रिया जीत बच्चों की निशानी है। अभी ही बाप द्वारा सर्वशक्तियों की प्राप्ति होती है, लेकिन अगर कोई ना कोई संग दोष व कर्मेंद्रिय के वशीभूत हो अपनी शक्ति खो लेते हो, तो जो बेगमपुर का नशा व खुशी प्राप्त है वह स्वतः ही खो जाती है। बेगमपुर की बादशाही भी कंगाल बन जाते हैं। इसलिए नशा रहे, मैं बेगमपुर का बादशाह हूँ। स्लोगन है, दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो तो सफलता गले का हार है। स्वमान क्या रहेगा, मैं बेगमपुर का बादशाह हूँ, मेरे गले में सफलता का हार है। तो अपने आप को आज नशे में रखेंगे, मैं कौन, बेफिक्र बादशाह, सर्वशक्तिवान मेरा, सर्वशक्तिवान की शक्तियाँ मेरी, मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। ओम शांति।